वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिएटिव सेल्फ फोटोग्राफी आइडियाज एट होम विदाउट यूजिंग ट्राइपॉड। तो आप कैसे विदाउट यूजिंग ट्राइपॉड, अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है तो आप विदाउट यूजिंग ट्राइपॉड आप ये पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास भी ट्राइपॉड नहीं है तो मैंने बिना ट्राइपॉड के इतनी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करी थी। एंड आप घर पे कैसे इजली, बहुत ही इजली पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, मैं आज आपको वो बताऊंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये एक फ़ोटोशूट सीरीज़ का हिस्सा ही एपिसोड 5 है। क्योंकि मैंने कहा था जैसे कि आपसे कि मैं अपने चैनल पर फ़ोटोशूट सीरीज़ अपलोड आई है जिसमें टेन एपिसोड्स होंगे, बट मैंने 4 ही एपिसोड्स डाले। मैंने सोचा कि एकदम से मैं अगर सारे डाल दूंगी तो आपको पसंद करेंगे आप लोग या नहीं, इसकी वजह से मैंने सोचा कि 4 एपिसोड डाल के कुछ अलग करते हैं एंड उसके बाद देखते हैं। तो एंड आज मैं फिर से वही एपिसोड क्रिएटिव सेल्फ फोटोग्राफी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आपको अपनी अच्छी पिक्चर्स चाहिए तो। ओके, तो गाइस माय फर्स्ट आइडिया है आपको क्या करना है, आपके पास जितने भी टॉप है ना वो सारे निकाल कर रख लेने हैं, और आपके घर पे जहाँ पर भी ज़्यादा जगह है वहाँ पर रख लेने हैं। और क्योंकि कलरफुल, क्योंकि टॉप तो आपके पास बहुत सारे होते हैं तो कलरफुल टॉप्स होंगे, कलरफुल बैकग्राउंड आएगा, आपको उन टॉप्स के ऊपर लेट जाना है और अपनी अच्छे अच्छे पोजेस देने हैं, अच्छे अच्छे पोज ट्राई करने हैं। एंड सच में गाइस ये जो आइडिया था ना बहुत अच्छा था, और इसके रिजल्ट्स जो थे ना वो भी बहुत अच्छे आए थे, मेरी फ़ोटोज़ भी काफ़ी अच्छी आई थी। आप भी जरूर ट्राई करना इस फोटोशूट आइडिया को। गाइस माय फर्स्ट आइडिया आपको कैसा लगा मेरा, आप जरूर बताना। ओके, तो चलिए सेकंड आइडिया को देखते हैं, सेकंड फोटोग्राफी आइडिया हमारा कौन सा है। ओके, तो गाइस माय सेकंड आइडिया इस आपको क्या करना है, आपको ना जहां पर भी आप कि घर में धूप आती है, अगर आपके घर में विंडो है तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरे घर में एक ही विंडो है वो भी रसोई में है, घर में नहीं है। तो मैंने ये गेट के सामने ट्राई किया था, जहाँ पर भी धूप आती है ना ये फोटोशूट आइडिया आपको वहाँ पर ट्राई करना है। आपको क्या करना है, जहाँ पर भी धूप आती है आपको वहाँ पर कुर्सी या फिर कोई भी छन्नी आप ले सकते हैं, छन्नी या फिर कोई भी सब्जी धोने वाली, आटा छानने वाली कोई भी छन्नी ले सकते हैं, आपको उसके सामने बैठ जाना है। धूप आपके चेहरे पर आएगी एंड धूप आपके चेहरे पर आएगी तो आपको अलग अलग पोस्ट ट्राई करने हैं, अलग अलग पोस्ट देने हैं। एंड उसके बाद जो इसके रिजल्ट आए थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। एंड इसका जो बैकग्राउंड आप सोच रहे होंगे तो बैकग्राउंड तो है ही नहीं कुछ भी, तो बैकग्राउंड मैंने इसका क्रोम पे जाके रिमूव बीजी के साथ मैंने इसका बैकग्राउंड हटा दिया था, इसका बैकग्राउंड पूरा ब्लैक आया था, आप देखेंगे अभी फ़ोटो में तो आपको पता चलेगा। एंड इसके रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए थे। आइडिया फोटोशूट का कैसा लगा आप जरूर बताना। ओके, तो मेरा जो थर्ड आइडिया है, एक टाइम पे आपको पता है जो मैंने थर्ड आइडिया जो मेरा है ये मैंने ट्राई किया था, और ये बहुत ट्रेंडिंग चल रहा था एक बार में, क्योंकि लॉकडाउन में सब लोग फोटोशूट करी थी, सारी जो यूट्यूबर्स की गर्ल्स हैं वो सब लोग मतलब कि यही ट्राई करी थी, सेल्फ पोर्ट्रेट, क्रिएटिव सेल्फ पोर्ट्रेट, स्काई पोर्ट्रेट सब लोग ट्राई कर रहे थे। तो एक टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग चल रहा था तो मैंने भी इसे ट्राई किया, बट जिन लोगों ने भी इस फोटोशूट को ट्राई किया उन्होंने किसी ना किसी की हेल्प ली थी। बट आप सब लोग बिना किसी हेल्प के, बिना किसी हेल्प के, अगर आपकी कोई हेल्प ना करता है, नहीं करता है, आप खुद ही से ही एक पिक्चर कैसे क्लिक कर सकते हो, आज हम वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा थर्ड फोटोग्राफी आइडिया कौन सा है। ओके, तो गाइस माय थर्ड आइडिया है आपको इसके लिए क्या करना है। मैं आप सबको पता है मैं अपनी वीडियोस को कैसे शूट करती हूँ, हवा शूट मैं यूट्यूब वीडियो मैंने वो यूट्यूब पे भी अपलोड की हुई, तो मैंने बिल्कुल वैसा ही सेटअप बना लिया है, आप भी ऐसे ही बना सकते हैं। अगर आपके पास ट्राइपॉड है तो बहुत अच्छी बात है, वरना विदाउट ट्राइपॉड के आप ऐसे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये फोटोशूट आइडिया अगर आप नाइट में ट्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि नाइट में सारी लाइट ऑफ हो जाती हैं। मैंने इसके लिए, इस फोटोशूट के लिए मैंने 2 फ़ोन का यूज़ किया था, बट आपके पास एक ही फ़ोन है तो आप एक ही फ़ोन से इसको ट्राई कर सकते हैं। मैंने 2 फ़ोन का यूज़ इसलिए किया था, एक से मैं टॉर्च चला रही थी और एक से मैं वो फोटोज क्लिक कर रही थी अपनी। तो इसके लिए आपको 2 फ़ोन की ज़रूरत पड़ सकती है, और अगर आपकी कोई हेल्प करता है तो इसके लिए आपको 1 फ़ोन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है तो आप इसे 2 फ़ोन से क्लिक कर सकते हैं, अगर आपके पास 2 फ़ोन है तो। वरना डोंट अबाउट दिस, वरना डोंट वरी यार, आप 1 फ़ोन से भी इसको ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा। तो इसके रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे आए थे।